सलाम अलैकुम। ड्रामा सीरियल अजानी अब एक जबरदस्त मोड़ पर पहुंच चुका है। नौशिरवान के पीछे तीन औरतें हाथ धोकर पड़ गई हैं। पहले तो नताशा को देखकर ऐसा लगता था कि इससे ज्यादा फजूल और घटिया कोई नहीं हो सकता, लेकिन फिर फराह ने आकर भिटाई और घटियापिन की इंतहा कर दी। पहले इसने नौशिरवान को छोड़ा, फिर शादी की, फिर तलाक ली और अब इतने सालों बाद वापस आकर नौशिरवान की जिंदगी में दखल अंदाजी कर रही है और कहती है कि इसने कुर्बानी दी है। दुआ ने बड़ी समझदारी का मुजाहिरा किया और इन दोनों की बातों में आने के बजाय उनका दिमाग ठिकाने लगा दिया। उसने नताशा को कुछ कहने के काबिल नहीं छोड़ा और फराह की लिपस्टिक वाली क्लीनन भी नाकाम बना दी। दूसरी जानिब फैजा और दुआ की मुलाकात का सीन भी काफी दिलचस्प था। अब फराह के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। आने वाली किस्त में अब देखेंगे कि फराह अपनी फजूल हरकत करके मुतमईन होगी कि दुआ का नौशिरवान पर से एतमाद खत्म हो जाएगा और इसे लगेगा कि नौशिरवान आज भी मुझसे मोहब्बत करता है। लेकिन जब नौशिरवान घर आएगा और दुआ उसकी कमीज पर लिपस्टिक देखेगी तो वो इससे पूछेगी कि लिपस्टिक आपकी कमीज पर कहाँ से आई, आप फराह के साथ थे ना। नौशिरवान खामोश रहेगा लेकिन वो फिर से दुआ को यकीन दिलाएगा और फराह की प्लेनन बुरी तरह नाकाम हो जाएगी। फराह खुशी से दुआ को कॉल करके कहेगी कि अब तो तुम्हें यकीन आ गया कि नौशिरवान मेरे साथ था। दुआ कहेगी कि वो तुम्हारे साथ नहीं थे बल्कि तुम जबरदस्ती उनके पास थी और अब वो मेरे साथ हैं क्योंकि बीवी का दर्जा मुझे हासिल है। दुआ की बातें सुनकर फराह दंग रह जाएगी लेकिन फिर भी सुकून नहीं मिलेगा और वो नौशेरवो को कॉल करेगी। नौशेरवो कहेगा कि तुम्हारी इस हरकत से दुआ मुझसे दूर नहीं होगी। दूसरी जानिब जब फैजा दुआ से राबता करने की कोशिश करेगी तो फराज की माँ फौरन उसके पास आएंगी और अपने पुराने डायलॉग मारना शुरू कर देंगी। फराज भी गैरतमंद बनकर पूछेगा कि कौन है ये और उसके हाथ से मोबाइल छीन कर अपने कान पर लगाएगा। दुआ की आवाज सुनकर वो दंग रह जाएगा और घबरा कर मोबाइल बंद कर देगा। फैजा से कहेगा कि अगर आइंदा तुमने इससे राबता किया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, क्योंकि उसे डर है कि किसी दिन दुआ वापस आकर इसका पर्दा फाश ना कर दे। नाजरीन, अब देखना यह है कि क्या ये लोग दुआ और नौशेरवो का एतिमाद तोड़ने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताएं।